डिजिटल पेमेंट की दुनिया में दिग्गज अमेजॉन पे, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म को अब जल्द ही टक्कर मिलने वाली है। नमक से लेकर स्टील तक बनाने वाले टाटा ग्रुप अब डिजिटल पेमेंट की दुनिया में कदम रखने जा रहा है। टाटा जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI पेमेंट ऐप लॉन्च कर सकता है। कंपनी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से इसके लिए क्लियरेंस मिलने वाली है। क्लियरेंस मिलते ही कंपनी अपनी UPI सर्विस शुरू कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप देश में अपनी खुद की यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस ऑफर करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से मंजूरी मांग रहा है। टाटा ग्रुप ने NPCI को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स TPAP के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया है। जानकार बताते हैं कि टाटा ग्रुप जल्द से जल्द यह सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है। टाटा समूह अपनी डिजिटल कमर्शियल यूनिट टाटा डिजिटल के माध्यम से ICICI बैंक के साथ अपने UPI बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहा है। UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म को अगर NPCI से मंजूरी मिल जाती है तो टाटा समूह को अपने ग्राहकों के लिए ई कॉमर्स अनुभव बढ़ाने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि टाटा समूह ने अपने इस डिजिटल भुगतान ऐप को टाटा न्यू नाम दिया है और उम्मीद है कि अगले महीने IPL सेशन के दौरान समूह अपने ऐप को लॉन्च कर सकता है। यह ऐप यूजर्स को टाटा डिजिटल के सभी ऐप जैसे बिग बास्केट, 1MG, क्रोमा, टाटा क्लिक और टाटा ग्रुप की फ्लाइट बुकिंग सेवा को एक ही ऐप के भीतर आसान एक्सेस प्रदान करेगा। जानकारों की माने तो टाटा डिजिटल के बारे में 7 अप्रैल को घोषणा की जा सकती है।